हेलो दोस्तों, मेरा चैनल वनस्पति दादा। जिस वनस्पति दादा चैनल के माध्यम से मैं रोज़ एक वनस्पति का जानकारी देता हूँ, वो वनस्पति का औषधि गुण क्या है, वनस्पति गुण क्या है, आयुर्वेदिक गुण क्या है, इसका पूरा जानकारी देने का कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आज जो वनस्पति के मैं वर्णन दिखा रहा हूँ, बहुत ही दिव्य शक्ति वाला ये वनस्पति है, जिसका नाम है धतूरा, डेविल्स एप्पल, धुतरा। अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। लेकिन दोस्तों, शिव महादेव को चढ़ाने के लिए जे धतूरा का बीज व फूल का यूज किया जाता है, उसी धतूरा का मैं बात कर रहा हूँ। ये जो धतूरा है, ये धतूरा तीन कलर में देखने मिलता है इंडिया के अंदर, काला, पीला और सफ़ेद। सफ़ेद धतूरा जो वो आसानी से हर जगह ही देखने मिल जाता है, रोड साइड में, मंदिर का किनार पे, घर के अंदर, खेती में, ये आसानी से देखने मिल जाता है सफ़ेद कलर का धतूरा। और पीला और काला, ये जो धतूरा है जिसमें दिव्य शक्ति थोड़ा सा ज़्यादा है सफ़ेद से, वो बहुत ही कम जगह देखने मिलता है। जो मैं आज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहचान कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ये काला कलर का जो काला धतूरा है वो कैसे होता है जहरीले, टॉक्सिन, लेकिन इसका औषधि गुण, वनस्पति गुण इसके अंदर भरपूर मात्रा में होता है। दोस्तों, चैनल को लास्ट तक देखते रहिए, मैं इसका स्टेप बाय स्टेप इसका औषधि गुण, वनस्पति गुण के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अस्थम, ये बहुत प्राचीन काल से इसको यूज होते आ रहा है। आज किसी तरफ का अस्थमा है, उसका पत्ती को पीस के रस बना के पिलाने से कितना भी पुराना अस्थमा है वो जड़ से ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, गंजापन है, समय के पहले बाल झड़ जाना, बाल सफ़ेद हो जाना। इसका फूल, जो फूल आपको दिखा रहा हूँ मैं, काला कलर का धतूरा का जो मैं फूल दिखा रहा हूँ, इस फूल का रस निकल के कोकोनट ऑयल, जो नॉर्मल घर में जो ऑयल होता है, वो ऑयल के साथ मिक्स करके लगाने से आपका गंजापन, सफ़ेदपन, बाल झड़ना धीरे 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 ख़त्म हो जाता है। इसका बीज, जो आपको मैं बीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका जो बीज होता है, जो कांटेदार होता है, उसके अंदर से छोटा छोटा दाना जैसा बीज निकलता है, वो बीज को पीस के रस निकलना जाए, किसी तरफ का बॉडी के अंदर पेन है, सूजन है, जॉइंट पेन है, गठिया है, खुजली है, जड़ से ख़त्म कर देगा। उसको तेल, जो रस के साथ सरसों का तेल मिक्स करके लगाने से आपका शरीर का किसी तरफ का दर्द है, सूजन है, वो जड़ से ख़त्म कर देता है। कितना पुराना कफ है, कितना भी पुराना कफ है, से सर्दी का हो, उम्र का हो, सीजनेबल हो, वो कप को जड़ से निकलना है, सुस्त रखने के लिए, खांसी ख़त्म करने के लिए, इसको पत्ती को कड़ा बना के पीने से है। दोस्तों, इसमें थोड़ा सा जहरीली है, लेकिन उसको सही ढंग से प्रोसेस करने पीने से आपका कितना भी पुराना कप है, पित है, वो जड़ से निकाल देता है, शरीर को ताज़ा बना देता है। किसी तरफ का दांत का दर्द है, कान का दर्द है, उसमें भी बहुत ही लाभदायक है। इसका जो पत्ती दिखा रहा हूँ, उसको कुल्ला करने से, पत्ती को रस निकल के कुल्ला करने से आपका दांत का दर्द जड़ से ख़त्म हो जाता है। इतना लाभदायक है ये काला धतूरा। तांत्रिक लोग इसको तो बहुत अच्छा से प्रयोग करता है इसका जड़ को, लेकिन उसको करने के लिए रवि नक्षत्र में ही उसको पूजा पाठ करके घर पर ले आना होता है। वो थोड़ा सा काम थोड़ा कठिन है, लेकिन उसमें उतना ही फायदा मिलता है। लक्ष्मी का बांस होता है घर के अंदर, लेकिन उतना किसी दिन में ले आने से फायदा नहीं होता है। रवि नक्षत्र से ही रात में पूजा पाठ करके घर में ले आने से शुभ माना जाता है। इसका जो दूध है, आपको देखा होगा, इसको फाड़ने से सफ़ेद कलर का दूध निकल रहा है। उस दूध के साथ मक्खन, जो बटर होता है, उसको मिक्स करके खिलाने से जो आदमी, बच्चों का जो पागलपन है,
पागलपन को कम करने के लिए भी बहुत ही लाभदायक है इसका दूध। जो दूध ये जहरीली होता है, लेकिन उसको प्रोसेस करके मक्खन के साथ पिलाने से पागलपन, जो छोटा बच्चा का वो बड़ा का होता है पागलपन, कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी करता रहता है, उससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इसका तेल को कुष्ठ रोग में